आज हम बात करते हैं कैल्केनियम यानी एडी की हड्डी के फ्रैक्चर के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैल्केनियस कौन सी हड्डी होती है। तो आपके पाँव की वो हड्डी जिस पर आप सारा वजन लेते हैं चलते वक्त, यानी कि आपकी एडी की हड्डी को हम कैल्केनियस कहते हैं। तो इस हड्डी की जो चोट होती है, इस हड्डी का जो फ्रैक्चर होता है, उसको कैल्केनियम फ्रैक्चर कहते हैं। तो क्यों ज़रूरी है समझना कि कैल्केनियम फ्रैक्चर का मैनेजमेंट यानी कि इलाज कैसे होता है और कैसे उसका बेस्ट इलाज किया जाना चाहिए। ये वो हड्डी होती है जिस पे आप अपने पाँव का सारा वजन लेते हैं चलते समय। तो जब भी आप अपना पहला कदम जमीन पे रखते हैं तो वो इस हड्डी यानी कैल्केनियम पे रखते हैं। तो किसी भी कारण से अगर इसका सही इलाज नहीं होता है या इसके इलाज में कोई कमी रह जाती है तो आपका हर कदम या हर बार चलना बहुत पेनफुल यानी दर्दनाक हो सकता है। इस हड्डी की एक खास बात ये होती है कि ये हड्डी सिर्फ बाहरी तौर पर मजबूत होती है, अंदर से सॉफ्ट स्पंज की तरह होती है। इसलिए जब आप गिरते हैं, ऊंचाई से गिरते हैं या किसी कारण से इसमें चोट लगती है तो ये हड्डी एक बॉल की तरह फट जाती है। फटने के बाद इसकी ओवरऑल शेप, इसका जो साइज है वो बदल जाता है और धीरे धीरे वो उसी पोजीशन में जुड़ जाती है। तो जानते हैं कि क्या कारण होता है इस हड्डी के यानी कैल्केनियम फ्रैक्चर होने का। तो इसका मोस्ट कॉमन कारण, मुख्य कारण जो होता है वो होता है ऊंचाई से गिरना। तो चाहे वो 4 फुट की हो, 6 फुट की या 20 फुट की, किसी भी ऊंचाई से गिरने पर यदि आप पहले अपने हील पर यानी कि इस एड़ी पर लैंड करते हैं, पहले आपका एड़ी ज़मीन पर टच होता है, तो बहुत संभावना होती है इस हड्डी के फ्रैक्चर हो जाने की। और कैसे हमको ये समझ में आए या कैसे हम इस बात को समझें कि कैल्केनियम फ्रैक्चर हुआ है, तो गिरने के बाद या सब ज़मीन पर लैंड करने के बाद सडनली कोई भी क्रैकिंग साउंड आना, बहुत ही तेज़ सीवियर असहनीय दर्द का होना, चलने में कठिनाई परेशानी का होना, पैर में तुरंत बहुत ज़्यादा सूजन आ जाना, इस बात को इंडिकेट करता है या ये बताता है कि कैल्केनियम फ्रैक्चर होने की बहुत संभावना है। तो यदि ऐसी कोई चोट लगी है कि आप ऊंचाई से गिरे हैं या कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उस स्थिति में ऐसी कोई भी परेशानी आने पर, ऐसे कोई भी लक्षण आने पर जो अभी हमने बात की, हमें तुरंत सबसे पहले अपने फुट एंड एंकल सर्जन से, अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि वो इस बात को कंफर्म कर सकें कि हमें ये चोट हुई है, ये कैल्केनियम फ्रैक्चर है या नहीं है। उस चीज़ के लिए सबसे पहले आपका एक एक्सरे किया जाएगा। एक्सरे करते वक्त हम हर एंगल से इस हड्डी को देखते हैं, एपी लेटरल एंड एक्सियल व्यू जिसे कहा जाता है। उस एक्सरे में इस हड्डी को अच्छी तरीके से देखा जाता है और ये तय किया जाता है कि टूटने की वजह से हड्डी अपनी जगह से डिस्प्लेस यानी अपनी जगह से हिली है या नहीं। उस चीज़ को और बेहतर समझने के लिए सबसे पहले हम इस जोड़ को पास से देखते हैं। तो ये वो हड्डी है कैल्केनियम और इसके ऊपर की हड्डी टेलस, इन दोनों के बीच का जो जोड़ होता है वो जोड़ मुख्य कारण होता है इस हड्डी के टूटने के बाद दर्द होने का। तो जब भी ये हड्डी टूटती है, अब ऊपर से गिरते हैं, तो ये जो चिकनी सतह है, इसका फेसेट कहते हैं, ये नीचे घुस जाता है, उस हड्डी के अंदर धंस जाता है और जब तक वो अंदर धंसा रहता है धीरे धीरे इस पूरे जोड़ को खराब। हम एक्सरे करके इस बात का सबसे पहले पता करते हैं कि वो फ्रैक्चर अपनी जगह से टूट के हिला है या वहीं है। यदि आपका फ्रैक्चर अपनी जगह से टूटने के बाद हिला नहीं है, हड्डी अपनी जगह वैसी ही है, उसकी नॉर्मल शेप बनी हुई है, तो इसका इलाज बिना सर्जरी के सिर्फ और सिर्फ प्लास्टर से हो सकता है। सामान्यतः देखें तो 65% के करीब कैल्केनियम के फ्रैक्चर होते हैं उनमें हड्डी टूट के अपनी जगह से हट जाती है। सिर्फ बाकी बचे हुए 35% फ्रैक्चर ही हैं जिसमें हड्डी अपनी जगह स्थिर रहती है। तो स्थिर रहने की स्थिति में हम प्लास्टर द्वारा इसका इलाज करते हैं, जिसमें शुरुआती दिनों में 15 दिनों में एक कच्चा प्लास्टर लगाया जाता है जिसे स्लैब कहते हैं, और उसके बाद उसी कच्चे प्लास्टर को हम पक्का कर देते हैं और करीबन 2 से 2.5 महीने के बाद धीरे धीरे आपको चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर स्थिति दूसरी उस 65% में आती है जहाँ पर हड्डी टूट के अपनी जगह से हिल गई है, उसका जोड़ अपनी जगह से टूट गया है, तो उसका इलाज सर्जरी के द्वारा ही होता है। लेकिन सर्जरी में क्या सर्जरी करनी है उसको निश्चित करने से पहले, उसको डिसाइड करने से पहले हम आपके एंकल का एक सीटी स्कैन करवाते हैं। सीटी स्कैन में देखा जाता है कि जोड़ वाले हिस्से के, इस फैसेट वाले हिस्से के कितने टुकड़े हुए हैं, और उसके हिसाब से या तो बिना चीरा लगाए एक्सरे में देखते हुए एक छोटी सर्जरी से इसको वापस अपनी जगह बिठाते हैं, या फिर MIS सर्जरी कहते हैं, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, उसके द्वारा इसका इलाज होता है, या फिर कई स्थिति में पूरे कंप्लीट फ्रैक्चर के केस में जिसमें यह हड्डी पूरी तरीके से चूरा हो जाती है, पूरी तरीके से खोल के इसको ऑपरेट करके इसको सही किया जाता है। लेकिन किसी भी स्थिति में इसका कंप्लीट मैनेजमेंट, एक प्रॉपर सही मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि भविष्य में आपको ये हड्डी परेशान ना करे या इसका जोड़ परेशान ना करे।
तो कोई भी मोड अगर हम सर्जरी का चुनते हैं, चाहे वो परक्यूटेनियस यानी बिना चीरे लगाए मिनिमल इन्वेसिव छोटे से चीरे से, या फिर एक्सटेंसाइल यानी कि बड़े के चीरे से हम सर्जरी करें, उसके बाद रिकवरी का एक फिक्स पैटर्न होता है जिसमें शुरुआत में 15 से 20 दिन के लिए हम आपको प्लास्टर में रखते हैं। उसके बाद वो प्लास्टर खोल दिया जाता है, पाँव की कसरत की जाती है, पाँव की मांसपेशियों को वापस मजबूत किया जाता है, और करीबन 2 महीने के बाद पैर पे वजन डलवा के धीरे धीरे आपको चलाया जाता है। 2 महीने के बाद आपके पाँव की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, और जैसे जैसे आप कसरत करते जाते हैं, चलते जाते हैं, आपकी रिकवरी और अच्छी होती चली जाती है। इससे अधिक कोई सवाल कैल्केनियम फ्रैक्चर से, हील फ्रैक्चर से जुड़े हों, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब देने की जल्दी कोशिश करें।